सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956, ये क्या बोलता है सर? जब कोई बंदा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग CST बोलते हैं। जब आप विद इन द स्टेट सेल करते थे तो वैट लगता था, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे बेचते हो तो CST लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। मतलब सर, जो बंदे लोकल सेल करते हैं उनको CST में आने का दरकार? एक पुचका वाला लोकल सेल करता है कि इंटर स्टेट, उसको CST से मतलब ही नहीं होगा। तो जिनका लोकल सेल है वो CST में माथा नहीं लगाते, जिनका इंटर स्टेट सेल है उनको CST में आना ही पड़ेगा। तो तुमसे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछेगा इस बार वो होगा, सर जी इस रजिस्ट्रेशन अंडर CST एक्ट कंपल्सरी? तो सबसे पहला चीज, इट इज़ नॉट एट ऑल कंपल्सरी। सर वाई सर? ओनली दोज डीलर्स हु आर इन्वॉल्व इन इंटर स्टेट सेल्स दे आर रिक्वायर्ड टू गेट देमसेल्व रजिस्टर्ड अंडर द CST एक्ट। जिनका इंटर स्टेट सेल है सिर्फ उन्हीं को अपने CST एक्ट में रजिस्टर होना, और किसी को रजिस्टर होने का दरकार? चीज समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्लियर है? ऑल डीलर्स हु आर इन्वॉल्व इन इंटर स्टेट सेल दे मस्ट गेट देमसेल्व रजिस्टर्ड अंडर द CST एक्ट कंपल्सरली। पीपल हु आर एंगेज ओनली इन लोकल सेल और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट देमसेल्व रजिस्टर्ड अंडर द CST एक्ट कंपल्सरी। समझ में आ गया होगा, बोला रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। इज इट बेनिफिशियल? यस, देर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग रजिस्टर्ड बिकॉज ऑफ विच रजिस्ट्रेशन करना बेटर रहता है। इट इज बेनिफिशियल डेट यू मस्ट गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। सर वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग रजिस्टर्ड? तीन बेनिफिट। फॉर अ रजिस्टर्ड डीलर द मैक्सिमम रेट ऑफ CST विल बी 2%। फॉर अ रजिस्टर्ड डीलर द मैक्सिमम रेट ऑफ CST इज 2%। सर अनरजिस्टर्ड पे क्या रूल है? चीज को सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। जो दो क्वेश्चन बोले हैं प्रैक्टिकल उसमें इसका एप्लीकेशन है। सर जी पहला बेनिफिट रेट, अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल करते हैं, चीज को ढंग से सुनिएगा, इफ यू आर सेलिंग टू अनरजिस्टर्ड डीलर, आप अनरजिस्टर्ड हो आपको सेल कर रहा है, तो सर जी अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए LST विल बी इक्वल टू वैट, CST विल बी इक्वल टू वैट। मतलब अगर 14.5% वैट है तो सर जी उसका CST भी कितना हो जाएगा? 14.5%। तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा कि घटेगा? बट अगर सेल रजिस्टर्ड डीलर को हो सकता है, हो रहा है, तो मैक्सिमम रेट 2% ही है, तो 14.5 भी होगा तो कितना लगेगा? 2% रजिस्टर्ड डीलर के लिए 2%। समझ गए चीज को, क्लियर है? सर अगर वैट का रेट 1% है, लोकल सेल्स टैक्स का रेट कितना है? 1%, तो CST कितना लगेगा? 1%। तो सर जी जब रेट 2% के नीचे है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 के ऊपर हुआ तो रजिस्टर्ड वाला बच जाएगा और तुम फंस जाओगे। तो इसलिए बेटर क्या होता है सर? रजिस्टर्ड हो जाओ। 5% वालों में भी रजिस्टर्ड वाला 2% देगा, बट अनरजिस्टर्ड वाला 5 देगा, तो कॉस्टिंग किस में कम आएगा सर आपका? रजिस्टर्ड होने में। तो बेनिफिशियल हुआ कि नहीं? बोला सही है। तो बोला सर तब तो हम जब भी दुकान में जाएंगे दुकानदार हमको बोलेगा कि रजिस्टर्ड कि अनरजिस्टर्ड, तो हम उसको हमेशा बोलेंगे हम तो रजिस्टर्ड हैं, और उसका रेट कम करवा लेंगे, और बाद में हम भाग जाएंगे, वो थोड़ी हमारे पीछे आ पाएगा, मन में आता है ना? तो जब भी आप एक रजिस्टर्ड डीलर को सेल करते हो, सपोज़ करो मेरा दुकान है, मेरे दुकान पे सर जी अमार आया, बोला सर मेरे को है ना इंटर स्टेट सेल है, ये याद रखना इंटर स्टेट सेल है, लोकल सेल नहीं है, मेरे को बोला कि मेरे को 10 लाख का सामान खरीदना। हमने बोला ठीक है 10 लाख का है भाई, कहाँ? बोला मुंबई। तो सर जी डेफिनेटली इंटर स्टेट सेल है तो मुंबई। हम बोले ठीक है, इसके ऊपर भैया 5% रेट है वैट का, LST कितना है? 5% है, तो 5% लगेगा। तो हमार तुरंत बोला कि हम तो रजिस्टर्ड है भाई। हम ले रजिस्टर्ड है तब तो तुम्हारे ऊपर कितना लगेगा? 2%। तो हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम ले भाई रजिस्टर्ड है तो प्रूफ दे। बोला प्रूफ कैसे पता चलेगा? प्रूफ होगा फॉर्म से, एक रजिस्टर्ड डीलर के पास सी फॉर्म होता है, तो अमार हमको सी फॉर्म देगा, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ रहता है इस आदमी का,
तो जैसे ही मेरे को सी फॉर्म मिलेगा गवर्नमेंट से इशू हुआ हुआ, तो हम उसके बेसिस पे इसको सर जी क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे। पहले ये सी फॉर्म का कॉन्सेप्ट नहीं था, चीज़ को समझना ढंग से। अब सपोज करो ये बोला कि हम रजिस्टर्ड है तो हम इससे 2% टैक्स ले लिए, तो 10 लाख का 2% कितना होता है, 20,000। हम टोटल 10,20,000 लिए, क्या पूरा 10,20,000 मेरा इनकम है? नहीं मुकुंद, है ना? हाँ ठीक है, 10,20,000 हम लिए सर, 20,000 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स देना है और 10 लाख मेरा है। हम गवर्नमेंट के पास गए CST डिपार्टमेंट में, हम बोले 20,000 रुपया, बोला क्या चीज़ का? हम बोले हम आर को बेचे, ये देखिए बिल, ये रजिस्टर्ड था, 20,000 दिया हम आपको दे रहे हैं। तो तुरंत वो अपने डेटाबेस में मारा, देखा अमार तो अनरजिस्टर्ड है, गलत हो गया कि नहीं। तो अब क्या गवर्नमेंट नुकसान बियर करेगा? वो तो बोलेगा ना इसके ऊपर 50,000 दो। तो किसके पॉकेट से गया? सेलर। तो सेलर के साथ गलत हुआ कि नहीं? तो उस सिचुएशन में सर ये प्रोविजन है कि जब भी आप एक रजिस्टर्ड डीलर को सेल करोगे तो आप उससे सबसे पहले सी फॉर्म दोगे। आप बोलोगे गिव मी सी फॉर्म, वो आपको सी फॉर्म देगा, आप वो सी फॉर्म को अपने पास रखोगे, उस पर वो लिख देगा कि हम 10 लाख का परचेज किए, सिग्नेचर रहेगा उस पर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी। अब हम जाएंगे डिपार्टमेंट में, हमले 20,000, बस किसका? हमले लेना फॉर्म दिया है तुम, रख रख, उसको फॉर्म जमा करेंगे। अब वो फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, बट ऑब्वियस है रजिस्टर्ड है तभी तो वो फॉर्म दिया, हम दे दिए, अपने सेटल्ड हो गए, अपने आप सेफ साइड में, अपना नुकसान नहीं। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारा बहुत खतरनाक आदमी है, तुम लोग जानते ही हो, ये प्रेम के घर से बहुत ही प्रेम पूर्वक फॉर्म चुरा के ले आया। कहां से चुरा के ले आया? उसके घर से चुरा के ले आया। अब उस फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन नंबर किसका लिखा होगा? अब एक बात बता, हमारे पास जब वो फॉर्म लेके आया, क्या हमको पता ये चोरी की है? ये हमारे पास फॉर्म लेके आया, चीज को प्रैक्टिकली समझ लो ढंग से, वो हमारे पास फॉर्म लेके आया, हमको फॉर्म दिया, हम ले आ रजिस्ट्रेशन नंबर तो ही हम साइन कर दिए, हम भी ठीक ले लिए, हम गए डिपार्टमेंट, हम ले लीजिए हीरो तो है, फेंक के भेज दें, हम ले लो 20,000 आया है, डाला, बोला ये तो हमार का नहीं है, ये तो प्रेम का है। हमला हम क्या करें, हमको थोड़ी पता होगा किसका क्या है, ये तो आपके पास डेटा बेस है, या तो हमको अपना कंप्यूटर दे दीजिए हम कर लेते, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में सर मेरे ऊपर पेनल्टी नहीं आएगी, पेनल्टी आएगी प्रेम के ऊपर। ये जिम्मेदारी प्रेम का था कि वो अपना फॉर्म संभाल के रखे, तुमको फॉर्म इशू हुआ है, तुम बांट रहे हो उसको मेट्रो के बाहर खड़ा होके, ले सी फॉर्म, ली फॉर्म, वो नहीं चलेगा। उस सिचुएशन में सर ही विल बी लायबल फॉर डेट 30,000, आई विल नॉट, क्योंकि गलती उसका, उसका फॉर्म चोरी हुआ। इसलिए जैसे ही फॉर्म चोरी होता है सी फॉर्म, तुरंत सामने वाले को FIR करवाना पड़ता है, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है, डिपार्टमेंट अपने वेबसाइट पे उसका नंबर नंबर सब डाल देती है कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म का अगर आए तो प्लीज़ एक्सेप्ट मत करिएगा, तो जिससे क्या है कि कोई सेलर उसको एक्सेप्ट नहीं करे। क्या आप चीज़ समझ में आ गया? तो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन इज सी फॉर्म, यस और नो, कोई भी बंदा रजिस्टर्ड है कि नहीं किससे पता चलेगा? सेटल्ड हो गया क्या अपने दिमाग में? सेटल्ड है पक्का सर। आगे बढ़ते हैं, पहला बेनिफिट एक रजिस्टर्ड डीलर के लिए मैक्सिमम रेट ऑफ CST विल बी 2%, हटा दे। दूसरा, इन केस ऑफ पेनल्टी मेट से, सर पेनल्टी मेट क्या हो? पहला चीज तो स्पेलिंग ही चाप, पढ़े लिखे कम है ना हम, पेन समझते ना जिससे लिखते हैं पेन, फिर अल्टीमेट, तो पेनल्टी मेट हो गया। पेनल्टी मेट का मीनिंग क्या होता है बेटा? एनीवन? TCCIN? Second last. Just before the end. Ultimate के ठीक पहले, उसको अपने बोलते हैं penalty mate. Last sale के ठीक पहले वाला. In case of penalty mate sale, चीज को ढंग से सुनिएगा, CST is exempted. सर ये penalty mate sale क्या है? अब और बताते हैं. If an exporter, English में बोल रहे हैं समझना, if an exporter receives an export order and in order to process that order
he makes an interstate purchase. In order to process that export order, he makes an interstate purchase. The CST on that purchase will be exempted provided Form H is issued by the exporter. आइए पेनल्टीमेट सेल सिखा ये सबसे ज्यादा क्या है ना डेडिकेटेड और डिसिप्लिन स्टूडेंट हम बोले एकदम आवाज दिल पे ले आज से इनका सीट फिक्स है फर्स्ट बेंच यही वाला इनका कई बार हो गया है आज चलिए बात करते हैं अब चीजों को समझा देते हैं पेनल्टीमेट सेल क्या होता है यहाँ मत सोना नहीं तो हमारे पास पानी भरा हुआ बोतल है सर जी पेनल्टीमेट सेल बोला सपोज करो हमको यूएसए से एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला अब हम हिंदी में समझा रहे हैं उस एक्सपोर्ट ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए हमको क्या चीज़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला हमको जूड बैग का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला 10,000 पीस जूड बैग भेजना है कहाँ पे यूएस में हम लोग के यहाँ तो फैशन नहीं है ना अपने अगर जूट बैग लेके निकले तो कितना खराब लगता है कैसा झोला लेके निकल गया वहाँ पे वो लोग क्या ना कॉन्शियस है सब चीज़ को लेके दे फील इट्स अ ट्रेंड फैशन यू नो तो वो लोग उस चीज़ को अच्छा समझता है तो दे वॉन्ट जूट बैग्स तो हमको जूट बैग्स उन लोग को प्रोवाइड करना है उसके लिए हमको जूट चाहिएगा वो जूट हम मुंबई से खरीद रहे हैं कहाँ से मुंबई से अब मुंबई में क्या है अपना आयुष है हम बोले भाई हमको थोड़ा सा जूट बैग दे देना चिंगम नहीं लगा उसमें ठीक है ना तो बंदा हमको क्या है जूट बैग प्रोवाइड कर रहा है ये मुंबई में ही याद रखना तो सेल कौन कर रहा है इस समय हम की आयुष तो तुम हमको इंटर स्टेट सेल कर रहा है कि लोकल सेल कर रहा है हम तो बंगाल में देख ही रहे तो तुम हमको इंटर स्टेट सेल कर रहा है जैसे ही इंटर स्टेट सेल होगा उसके ऊपर क्या लगेगा CST तो ये बंदा मेरे ऊपर CST लगाएगा अब हम रजिस्टर्ड 5% रेट था सपोज कर उसके ऊपर तो तुम कितना परसेंट लगाएगा मेरे ऊपर 2% हमसे कौन सा फॉर्म लेगा सी फॉर्म करेक्ट है अब ये एक्सपोर्ट ऑर्डर से रिलेटेड जूट है यस और नो अगर हम चमड़ा खरीदते तो क्या ये एक्सपोर्ट ऑर्डर से रिलेटेड होता नहीं तो उस एक्सपोर्ट ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए अगर हम कोई इंटर स्टेट परचेज करते हैं तो उसके ऊपर CST जीरो हो जाएगी ये जैसे ही दो लगाने लगेगा हम बोलेंगे सुन आयुष ये एक्सपोर्ट ऑर्डर है US से एक्सपोर्ट है बोला क्या प्रूफ है हम तुरंत एक और फॉर्म निकालेंगे फॉर्म H गवर्नमेंट दिया हमको H हरामखोर का H फॉर्म H उस फॉर्म में सर हम उस एक्सपोर्टर का नाम सॉरी इंपोर्टर का नाम क्या भेज रहे हैं उसका डिटेल कितने का ऑर्डर है कब मिला सब कुछ का डिटेल उसमें भरेंगे और तुमको वो भेजेंगे अब तुम देखेगा हाँ जूट बैग के लिए जूट चाहिए और ये क्वांटिटी लगता है तो तुम उसके ऊपर रेट कितना लगाएगा 0% पेनल्टीमेट सेल है एक्सपोर्ट है ना तो गवर्नमेंट भी चाहता है कि हम लोग का रेट कम रहे अब उसमें टैक्स लगा देगा तो बाहर वाला को सस्ते में मिल जाएगा कहीं और से तो हम लोग को सर जी एग्जम्पशन मिलता है वहाँ पर टैक्स नहीं लगता लेकिन हमको उसके लिए क्या देना होगा फॉर्म फॉर्म कौन इशू करेगा रजिस्टर्ड कि अनरजिस्टर्ड तो रजिस्टर्ड आदमी को फॉर्म H देना है समझ गए चीज को क्लियर है तो हमारा रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है करेक्ट है तो पहला दूसरा बेनिफिट यही अगर वो बंदा अनरजिस्टर्ड होता तो CST लगता कि नहीं हाँ लगता क्योंकि उसके पास फॉर्म H नहीं होता समझ रहे ना CST पता है ना क्या होता है वही ठीक है और अगर अनरजिस्टर्ड होता तो कितना परसेंट टैक्स लगता जल्दी पता इस एग्जाम्पल के बेसिस पे 5% तुम लोग समझ रहे इंटेलिजेंट हो रहा है तुम लोग क्लियर है ये चीज पक्का सर कोई दिक्कत इसके अंदर में श्योर ये हो गया अपना काम पेनल्टीमेट सेल का दो बेनिफिट समझ गए मैक्सिमम रेट ऑफ CST फॉर रजिस्टर्ड डीलर नंबर 2 पेनल्टीमेट सेल इज एग्जेम्प्टेड समझ गए चीज को क्लियर है पक्का अब आता है सर जी आपका सबसीक्वेंट सेल चीज को ढंग से समझना पहले सपोज करो 100 रुपए का चीज है बहुत एग्जाम्पल के साथ समझा रहे ढंग से समझना
₹100 का चीज़ है, हम आप लोग सब एक अलग अलग स्टेट है, चीज़ को ढंग से समझिएगा, और हम सेल कर रहे हैं, 2% टैक्स है हर जगह, इंटर स्टेट सेल है ना, तो 2% टैक्स है। ₹100 का चीज़ हम आपको बेचे, 100 में देंगे कि 102? 102 आप इनको बेचे, 105 समझ लीजिए, 108, 112, 117, 125, लास्ट में तुम खरीदा 133। क्या हम लोग सब इंडिया में हैं? यस और नो? डिजिटल इंडिया है, यस। अमेजन है, पेटीएम भी है। अब तेरे को बेचना है, खरीदा कितने में? 133। अब ये 133 में बेचेगा तो प्रॉफिट जोड़ के बेचेगा तो 135। उसी भारत देश में हम रहता है, ये सो हम कितने में बेच रहे हैं? 102। क्या तेरे से कोई खरीदेगा? 33 रुपीज का डिफरेंस है, हम बेच देंगे, सीधा बात है। तो सबसिक्वेंट सेल इसको बोलते हैं, एक के बाद दूसरा सेल, दूसरा गया, तीसरा, तीसरा गया, चौथा, ऐसे सेल। तो हर सेल के ऊपर CST लगते लगते उसका कॉस्ट इतना बढ़ जाता है कि लास्ट सेलर के लिए बहुत बड़ा हार्डशिप हो जाता है वो, कि उस बेच नहीं पाएगा, नुकसान में आ जाएगा। तब उस सिचुएशन में सर जी सबसिक्वेंट सेल का फंडा आता है। अच्छा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? सही है। अब सबसिक्वेंट सेल को, चीज़ को ढंग से समझो, अब क्या बोलना चाहते हैं? ऑल डीलर्स इन्वॉल्व्ड इन सबसिक्वेंट सेल मस्ट बी रजिस्टर्ड डीलर, पहला कंडीशन। सबको क्या होना पड़ेगा? रजिस्टर्ड। ये तो समझ में आ गया, नॉर्मल है। नंबर टू, ये सबसे टफ है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड व्हेन द गुड्स आर इन मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। वापस से बोल रहे, इंग्लिश में बड़ा लाइन था। डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स, जो ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है, टाइटल मतलब ओनरशिप, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड व्हेन द गुड्स आर इन मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मतलब सर, चीज को समझो, आप ढंग से समझना, हम इनको सेल किए 102, गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट कब होता है? इन्होंने 10 लाख का माल खरीदा, अब इनके घर में माल क्या हम हाथ माथा पे रख के ले जाके दे के आएंगे मुंबई कि हम एक ट्रांसपोर्टर होते हैं? हमने एक ट्रांसपोर्टर को जैसे ही माल डिलीवर किया, मूवमेंट स्टार्ट्स। When the goods are being delivered to the transporter or the carrier, the movement starts. Start हो गया movement. अब ये गाड़ी जा रही है, टक 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 करके जा रही है। Movement terminate कब होगा? खत्म कब? जिस दिन ये delivery ले लेंगे, जिस दिन ये receive कर लेंगे। अब suppose करो transporter के यहाँ पे मुंबई वाले जगह में पहुँच गया goods, मुंबई वाला जगह में पहुँच गया। अब अगर वहां पे पहुंच गया सर, चिपकली को मत देखिए पड़ी सर, सुनिए, ट्रांसपोर्टर के यहाँ पहुंच गया और इनको फोन करके बोला माल आ गया आपका, 10 लाख वाला जो कंसाइनमेंट था वो आ चुका है, क्या मूवमेंट टर्मिनेट हो गया? ना, जिस दिन डिलीवरी लेंगे उस दिन टर्मिनेट होगा, तब तक ये मूवमेंट कंटिन्यूड है। समझ गए ना चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? आगे चीज को समझो। अब इस सिचुएशन में जैसे ही गुड्स चालू हुआ मूवमेंट, इनको पता है कि ये इनसे माल खरीदे, बीच में ही ऑर्डर आ गया, तो ये क्या किए? इनको बेच दिया और ट्रांसपोर्टर को फोन करके बोल दिया, भाई देखिए मुंबई मत लाइए, बैंगलोर भेज दीजिए। क्या डिलीवरी लिए? डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स, द ओनरशिप का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड, आर बीइंग ट्रांसफर्ड When the goods are in movement from one state to another. जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स जा रहा है, उसी के बीच में ओनरशिप का डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो गया। अब इनके तरफ घूम गया, क्या ये डिलीवरी लिए? नहीं। अब इनके पास गुड्स आ रहा है रस्ते में, इनको पता है कि ये पक्का खरीदेगी, she will buy, केरला, assume कर लो ये खरीदेंगे, इनका ऑर्डर आया, तो ये तुरंत अभी रस्ते में है गुड्स, ये ट्रांसपोर्टर को बोले हमको नहीं, आप केरला में डिलीवरी। समझ रहे हो चीज को? ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को सबसिक्वेंट सेल में कवर अप किया जाता है। अब समझ गए चीज को? पहला, ऑल द डीलर्स इन्वॉल्वड इन सबसिक्वेंट सेल मस्ट बी रजिस्टर्ड, द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड व्हेन द गुड्स आर इन मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू द मूवमेंट स्टार्ट्स व्हेन द गुड्स आर बीइंग डिलीवर्ड टू द ट्रांसपोर्टर एंड इट टर्मिनेट्स व्हेन द गुड्स आर एक्चुअली टेकन और they are delivered to the buyer. कोई दिक्कत इसके अंदर में?
Number three, CST will be applicable only on the first sale, 2 rupees. All other subsequent sale will be exempted. मतलब इनका 102 तो यहाँ भी 102, यहाँ भी 102, यहाँ भी 102, यहाँ भी 102. क्या आप कॉस्ट बराबर हो गया कि नहीं? तो अब तेरे ऊपर हार्डशिप आएगा क्या? तेरे को भी 102 में ही मिलेगा ना, प्रोवाइडेड ऑल द कंडीशंस ऑफ द सब्सिक्वेंट सेल मस्ट बी सेटिस्फाइड. कोई प्रॉब्लम सर इसके अंदर में? क्लियर है पक्का सर? ये ध्यान रखना, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसमें सोचने का दरकार नहीं है. सिर्फ पहला सेल पे. सर पहला सेल पे सीएसटी क्यों ले रहा है? हम जब बेचे तो वो फर्स्ट सेल था कि सब्सिक्वेंट सेल था? सब्सिक्वेंट सेल एग्जेम्प्टेड है, फर्स्ट सेल एग्जेम्प्टेड नहीं है. अब समझ में आता है जी? हमको थोड़ी पता ये सब्सिक्वेंट करेंगे, तो हम तो यहाँ पे टैक्स लेंगे. उसके बाद अगर ये सब्सिक्वेंट करते हैं तो वो सर जी एग्जेम्प्टेड है. समझ में आ गया? इसका एक लाइन और है, एक पॉइंट और है. फॉर्म E1 एंड E2 मस्ट बी कलेक्टेड बाई द सेलर, फ्रॉम द सेलर. E1 एंड E2 चीज को थोड़ा ढंग से समझना. बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूं. ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, सी डी को बेच रहा है और डी ई को बेच रहा है. सब अलग अलग स्टेट में. चीज को ढंग से समझिएगा सर. एंड ऑल आर क्या मतलब होता है इसका बताओ? ऑल आर रजिस्टर्ड. अब ढंग से समझना. हम ए हम बी को बेच रहे हैं, हम इसको बेच रहे हैं, ये बोला हम रजिस्टर्ड है, मान ले. क्या करना चाहिए हमको? हम ले सी फॉर्म दे तो बी हमको क्या देगा? सी फॉर्म. ढंग से बात करना, अभी हमसे प्रोसेस समझा रहे हैं. अब बी किसको बेच रहा है? सी. क्या बोलेगा? हम रजिस्टर्ड हैं तो बी क्या बोलेगा? ए दे सी फॉर्म. करेक्ट है? तो समझ रहे हो ना चीज को? पक्का? तो ईवीडी को क्या देगा? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ये नॉर्मल सेल है, सीएसटी में ऐसे ही होगा. जब भी रजिस्टर्ड होगा अपने को सामने वाले से सी फॉर्म ले लेना, ऐसी फॉर्म दे तो अपने सी फॉर्म ले लिए. ये पहला सेल है, क्या इस पे सीएसटी लगेगा कि नहीं? यस लगेगा सर, सीएसटी विल बी एप्लीकेबल 2% अज्यूम कर लो. ठीक है, अब चीज को समझो. अब समझो, द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड व्हेन द गुड्स आर इन मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अदर. ट्रांसफर हो रहा है डॉक्यूमेंट. इन दैट केस फॉर्म E1 एंड E2. चीज को ढंग से समझो. पहला सब्सिक्वेंट सेल कहाँ पे हो रहा है? बी टू सी. करेक्ट है? सी फॉर्म दिया ना. अब सब्सिक्वेंट सेल है ये किसको पता है? बी को पता है, तो बी इशू करेगा. याद रखना दोनों फॉर्म एक जन नहीं देगा, एक ले रहा है ना तो दूसरा इशू करेगा. क्या फॉर्म? मतलब ये फर्स्ट सब्सिक्वेंट सेल है. समझ गए? दो तक ही होता है, इसीलिए हम लिखते हैं तीसरा. आदत है ना, ए बी सी. ए बी वेयर गुड फ्रेंड्स भी तो हो सकता है, सी कहाँ आएगा बार बार? तो पहला जो सब्सिक्वेंट सेल होता है उसमें E1, बाकी जितना भी सब्सिक्वेंट सेल सब में E2, और इन सब में CST विल बी 0, 0 and 0. समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? ये ध्यान रखना, प्रोवाइडेड कंडीशन सेटिस्फाइड, ऑल आर रजिस्टर्ड. समझ में आ गया? द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड व्हेन द गुड्स आर इन मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू. एंड नंबर थ्री, फॉर्म E1 एंड E2 मस्ट बी इशूड बाई द सेलर. कोई दिक्कत इसके अंदर में? वो सेलर इशू कर देगा, तब सब्सिक्वेंट सेल एग्जेम्प्टेड, अदरवाइज नहीं है. क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? क्या चीज़ समझ में आ गया? मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट सेट हो गया होगा दिमाग में. तो मतलब रजिस्टर्ड होने का 3 बेनिफिट है, पता चल गया आपको. फॉर्म का भी पता चल गया, फॉर्म सी क्लियर हो गया आपको, फॉर्म E1 E2 आपको समझ में आ गया. क्लियर है ये चीज़? कोई दिक्कत इसके अंदर में? कुछ पूछना है तो बोल लो. पक्का? इसके सेक्शंस भी होते हैं, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 याद रख लेना करना हो तो, और 5 सबसेक्शन 3 पेनल्टीमेट सेल का था, सब बकवास है. आगे बात कर रहे हैं, यहाँ तक सेटल्ड है. पहला क्वेश्चन यही लिखा है, इज रजिस्ट्रेशन अंडर CST एक्ट कंपलसरी? नो, इट इज़ कंपलसरी ओनली फॉर दोज डीलर्स हु आर इन्वॉल्व इन इंटर स्टेट सेल. नंबर टू, इज इट बेनिफिशियल? यस इट इज़ बेनिफिशियल. देर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग रजिस्टर्ड. पहला बेनिफिट, द फर्स्ट बेनिफिट इज द रेट ऑफ द मैक्सिमम रेट ऑफ CST ऑन रजिस्टर्ड डीलर इज 2%. नंबर टू सर जी, पेनल्टीमेट सेल इन केस ऑफ रजिस्टर्ड डीलर्स इज एग्जेम्प्टेड प्रोवाइडेड फॉर्म H इज इशूड बाई द एक्सपोर्टर. करेक्ट है? H भी सीख गए आप सर जी. नंबर थ्री, द सब्सिक्वेंट सेल फॉर रजिस्टर्ड डीलर
इज एग्जेम्प्टेड प्रोवाइडेड फॉर्म E1 और E2 इज इशूड बाई द सेलर. करेक्ट है, कोई दिक्कत इसके अंदर में? सर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनता है. हाउ वी गेट द आवर सेल्फ रजिस्टर्ड. ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वैट में भी अप्लीकेबल होता है, मोर और लेस पूरे सेम है प्रोसेस, पूरा प्रोसेस सेम ही है. अब आपको रजिस्टर होना है, चीज को सुनना, बोल रहे हैं वापस से हम. एज सून एज अ डीलर, इंग्लिश में बोलना है समझिएगा, एज सून एज अ डीलर मेक्स एन इंटर स्टेट सेल ही इज रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द CST एक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ मेकिंग सच सेल. विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ मेकिंग सच सेल. अब सपोज करो मेरा ये दुकान है, हम लोकल सेल ही करते हैं, तो हम CST में रजिस्टर्ड नहीं है, अपना लोकल परचेज लोकल सेल है, अपने CST में रजिस्टर्ड नहीं है. अचानक में मेरे पास लक्ष्य आया सर जी गुजरात से, बोला हमको आपके यहाँ से ना 15 लाख का सामान लेना गुजरात के लिए, क्या ये इंटर स्टेट सेल है? अच्छा क्या हम रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है? क्या हम इंटर स्टेट सेल कर सकते हैं? अलाउड तो नहीं. अब हम उसको बोले भाई रुक ना, हम रजिस्टर करवा लेते हैं, 4-5 दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा, हम पैसा खिला के फटाफट रजिस्टर फिर सेल कर लेंगे, क्या ये रुकेगा? दुनिया में 1000 सेलर बैठा है. तो सिचुएशन में CST एक्ट ने हम लोगों को ये बेनिफिट दिया कि जैसे ही तुम फर्स्ट सेल करेंगे ना, फर्स्ट इंटर स्टेट सेल, टैक्स ले लेना, अपने आप को 30 डेज में रजिस्टर करवा लेना. तो पहला सेल करते वक्त सोचने का दरकार, सेल कर 30 डेज में अपने आप को रजिस्टर हो जा और मेरे को टैक्स दे देना, चलेगा. तो आप सेल कर दीजिए और अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए, किसके अंदर में? CST एक्ट में. कोई प्रॉब्लम सर इसके अंदर में? क्या चीज़ समझ में आ गया हम जो बोल रहे हैं? तो बंदा रजिस्टर करवा लेगा, क्लियर है? तो ये चीज़ पक्का. एज सून एज अ डीलर मेक्स एन इंटर स्टेट सेल ही इज रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द CST एक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ मेकिंग सच सेल. सर हाउ टू गेट रजिस्टर्ड? द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मस्ट बी मेड इन फॉर्म ए. इसान द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मस्ट बी मेड इन फॉर्म, हो गया समझ गया ना, मस्ट बी मेड इन फॉर्म ए. ठीक है, ए में अप्लीकेशन देगा. ठीक है, तो आज समझ रहा है ना? हाँ सर जी, फॉर्म ए में अप्लाई करिएगा रजिस्ट्रेशन के लिए. तो आप फॉर्म ए भी सीख गए. ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन के समय कुछ रुपया लगेगा कि नहीं? 25 रुपया लगेगा आपका, 25 रुपीज़ आपको देना होगा, स्टैंप लगा हुआ के दे दीजिएगा, कैसे भी दे दीजिएगा. तो 25 रुपीज़ लगता है. पर्टिकुलर्स टू बी मैंशनड इन फॉर्म, फॉर्म को भरोगे कि खरीद कैसी दे दोगे? भाई रजिस्टर कर देना, भरना तो पड़ेगा. तो नेम ऑफ द डीलर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कहाँ पे तुम्हारा दुकान है, कौन कौन पार्टनर है उसका डिटेल दे दीजिएगा, किस किस प्रोडक्ट में डील करते हो वो लिख देना, कौन कौन सा रॉ मटेरियल में डील करते हो ये लिख देना, एंड लास्ट में सिग्नेचर कर देना दैट ऑल द पर्टिकुलर्स मैंशनड अबव आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. सिग्नेचर नहीं तो कल को अगर कुछ गलत लगा तो हम किसको पकड़ेंगे? तो तुमको ये साइन करना पड़ता है. इसीलिए जब तुम कॉलेज का भी फॉर्म भरते हो ना, तो उसमें भी लास्ट में ऐसा रहता है कि ऑल द पर्टिकुलर्स मैंशनड अबव आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. तो वहाँ पे सर जी ये चीज़ होता है. सर क्या क्या बोले? नेम ऑफ द डीलर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, सर जी पार्टनर्स का डिटेल, किस किस प्रोडक्ट में, हमने क्या बोला किस किस प्रोडक्ट में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब सपोज करिए आपने जूता चप्पल लिखा प्रोडक्ट में, आप बेचते हैं जूता चप्पल, उसमें क्या हो गया? बाटा रीबॉक कितना बड़ा ब्रांड है, छोटा मत समझो अपने आप को, समझ रहे हो ना चीज को? तुम ये लिखे, अचानक में तुम चमड़ा खरीदेगा कि नहीं उसके लिए? जूता किससे बनाएगा? चमड़े से ही ना बनाएगा, रबड़ से ही ना बनाएगा? तो ये सब चीज़ तुम रॉ मटेरियल में लिख दिया. अचानक में तुमको जूट का दरकार पड़ा, अभी जूट सुन रहे थे ना हम लोग, जूट मतलब बोरा का दरकार पड़ा. अब तुम बोरा खरीदा मुंबई से, कहाँ से खरीदा? इंटर स्टेट परचेज है, यस और नो? तुम जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया तो क्या जूट लिखा था? तुम तो चमड़ा लिखा था. तो उस जूट के लिए तुमको अनरजिस्टर्ड डीलर माना जाएगा, तो टैक्स लग जाएगा. तो क्वेश्चन आता है, इट इज़ नॉट कवर्ड इन हिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये इस बार छपेगा इसीलिए बोल रहे हैं, इट इज़ नॉट कवर्ड इन हिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जूट नहीं लिखा हुआ, तो आपको क्या माना जाएगा? अनरजिस्टर्ड डीलर माना जाएगा और रेट ऑफ टैक्स विल बी इक्वल टू LST, दैट इज द वैट रेट. करेक्ट है ना? तो ये ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अपना गुड्स कवर अप कर लेना. बोला सर हम थोड़ी सोते थे जूट खरीदेंगे, तो जब तेरे को लगे तुमको जूट खरीदना है ना, अमेंडमेंट करवाओ सर्टिफिकेट में, अप्लीकेशन दो कि अब हम जूट में भी डील करने वाले हैं, तो सर्टिफिकेट अमेंड हो जाता है, उसमें जूट कवर्ड हो जाता है, फिर आप खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है. 2% मैक्सिमम लगेगा, अगर उसके पहले खरीदे तो 2 की जगह
पाँच साढ़े चौदह जो भी होगा वो लगेगा। समझ गए चीज़ को, क्लियर है पक्का सर? ये हो गया सर जी इसका कॉन्सेप्ट। कुछ पूछना इससे रिलेटेड कि चीज़ समझ में आ गया, करेक्ट है ना? तो सर जी इसलिए सारा प्रोडक्ट और रॉ मेटेरियल का नाम लिखा जाता है, फिर सिग्नेचर। अब हम रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ये चीज़ को ढंग से समझना सर जी। देव ज्योति आया हमारे पास क्लास में, ह्यूमर का दरकार है। देव ज्योति आया हमारे पास, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फिलअप कर दिया पूरा और जमा किया हमारे पास। क्या इसका फॉर्म अगर देख के सब कुछ सही लगा तो हमको इसको रजिस्टर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दिल से तो लगता होगा नहीं लेकिन और एक्चुअली भी इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर 100% करेक्ट भी है तो हम रजिस्टर नहीं करेंगे। आई विल नॉट, बता रहे हैं, रो मत, बता रहे हैं। तुम अपने आप को डीलर समझ लेता है यार। अरे बोल, सुनो ना, नहीं करेंगे। क्यों? इसका रीजन दे रहे हैं। वेट सर, हम रजिस्टर नहीं करेंगे, बस खत्म हो गया कहानी। सुनो एक बात बताओ, घर में कभी इलेक्ट्रिक मीटर लिए हो? क्यों? लाइट चाहिए इसलिए ना, इलेक्ट्रिसिटी तभी आता ना। इलेक्ट्रिक मीटर का भी एप्लीकेशन होता है कि नहीं? सब कुछ भर के देते हो कि नहीं? कितना वाट का चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। क्या फॉर्म जमा करते इलेक्ट्रिसिटी का लाइन आ जाता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगता है कि नहीं? तो हम भी देव ज्योति को ऐसे रजिस्टर नहीं करेंगे। हम इसका डिटेल देखेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे सुन, तेरे को देख के ही लगता चोर है। ऐसे ही डिपार्टमेंट सोचता है, तुम अकेला नहीं, ऐसा सब है। तो तेरे को देख के ही लगता है तुम चोर है। तुम आज तुम अगर रजिस्टर्ड हो गया, इफ एट ऑल ही बिकम्स रजिस्टर्ड, तो ये जब भी किसी को सेल करेगा टैक्स लेगा कि नहीं? और कल को टैक्स लेके हमसे मिस्टेक हो गया कि दारू पी के सो गया, तो आपको नहीं लगता सर जी कि ये दारू पी के सो जाएगा टैक्स का पैसा से तो गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा? यस और नो, हो जाएगा ना? तो उस सिचुएशन में सर जी, तो उस सिचुएशन में सर हम इसका एस्टिमेटेड टर्नओवर कैलकुलेट कर। सर आप कैसे करेंगे, आप बाबा हैं? हम बाबा नहीं हैं। इसका जिस जगह पे बिजनेस लोकेटेड होगा एरिया, जो इसका टर्नओवर होना चाहिए उस एरिया में, बाकी लोग भी तो रजिस्टर्ड होंगे, उनके बेसिस पे कितने का सेल होना चाहिए वो एक एस्टिमेशन लगाएगा डिपार्टमेंट। वो एस्टिमेशन हम लगाए 10 लाख रुपया। कितना? 10 लाख। अब ये रजिस्टर्ड है तो हम ये मान के चलते हैं कि 2% तो टैक्स लेगा ही लेगा। तो 10 लाख का 2% कितना होता है सर जी? 20,000। 20,000 प्लस कुछ और अनरजिस्टर्ड से भी ले ले तो हम इसको बोले भाई 30,000 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा। चीज को सुनना तरंग, ध्यान दे, 30,000 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा सर जी। तो जब तक ये सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देगा हम इसको रजिस्टर, तो हम इसको बोल दी 30,000 रुपया। अब अगर बड़ा आदमी हुआ, जो कि यह है नहीं अभी, तुम लोग दिल पे ले लेते हैं, अब एग्जाम्पल है, बड़ा आदमी हुआ, एज्यूम कर लो बड़ा आदमी हम लोग में प्रणव है, बड़ा आदमी हुआ, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट तुरंत चेक में ड्राफ्ट में दे देगा, या तो चेक कैश ड्राफ्ट में आप जमा करवा दीजिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आ गई, एवरीथिंग इज करेक्ट, हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। इशू करेंगे फॉर्म बी में, ए में अप्लाई किया था, बी में सर्टिफिकेट दे देंगे, खत्म। अब ये आके रोना गाना चालू, ये हमेशा देखते ही आर्ग्यूमेंट ही करता है, सर देखिए हमसे मिस्टेक हो गया है, हम बिजनेस चालू किए हैं लेकिन आप तो जानते हैं मिस्टेकनली हम रेंट ज़्यादा दे दिए, हमारे पास पैसा नहीं है, तो मिस्टेकनली हम आपको पैसा दे नहीं पाएंगे, हमारे पास एकदम रुपया नहीं है, और बहुत बुरी तरीके से परेशान करना चालू कर देगा। तो उस सिचुएशन में CST में एक प्रोविज़न है, सिक्योरिटी डिपॉजिट या तो तुम कैश या चेक में दे दो, और अगर तुम कैश चेक में नहीं दे सकते हो तो तुम एक सियोरिटी बॉन्ड ले आओ। सियोरिटी बॉन्ड मतलब गारंटर, तुम एक गारंटर लेके आओ कि कल को अगर तुम पैसा नहीं दिया तो कौन देगा तुम्हारे बदले। तो अब ये गया, ये गारंटर से फॉर्म साइन करवा दिया और उसमें लिखा हुआ है कि आई टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टैक्स अमाउंट विच देव ज्योति मे नॉट पेड इन फ्यूचर। तो उस सिचुएशन में सर जी क्या अब हमको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना चाहिए कि नहीं? नहीं सर। क्यों? ये देव ज्योति का केस है इसलिए? नहीं, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जिससे लिखवा के लाया वो कौन है। अब पता चला नीचे जो भिखारी का बच्चा चाय पी रहा था इसके पैसे से, उसको 5 रुपए का सिंगाड़ा खिलाया और लिखवा दिया, वो भी लिख दिया सब जिम्मेदारी हमरा।
क्या अब हमको रजिस्टर करना चाहिए? तो पहले द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द गारंटर मस्ट बी चेक। तो गारंटर का फाइनेंशियल पोजीशन चेक किया जाएगा कि गारंटर कैसा है। तो अगर हमको गारंटर का फाइनेंशियल पोजीशन सही लगा, अभी अमार से साइन करा के ले आए, ठीक है, तो अमार तो अपने जानते हैं बहुत रेपुटेड है और इसके पास पैसा अच्छा है, हमको पता है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लिए। तो वैसे होगा, फाइनेंशियल पोजीशन सही है, सब कुछ सही है। अब इसको क्या इशू कर दिया जाएगा सर? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म बी में दे देंगे। सर जी कितने का टर्नओवर किए थे एस्टीमेट? क्या जरूरी है 10 लाख ही होगा कि ज़्यादा हो सकता है? डेफिनेटली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जब लाइन लेते हैं ना तो 2 AC एक AC लिखते हैं, चलाते 4 हैं। तो सर जी डेफिनेटली ख़राब है, गलत है कि नहीं? तो अगर इसका एस्टिमेटेड टर्नओवर बढ़ जाता है 10 लाख की जगह 15 लाख बेच रहा है तो ये टैक्स ज़्यादा ले रहा होगा ना। तो जब इसका एस्टिमेटेड टर्नओवर बढ़ जाएगा तो सर जी हम इससे एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट का डिमांड रेज करेंगे। अगेन द एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट कैन बी पेड इधर इन कैश और चेक एज पर द कहानी। कोई दिक्कत इसके अंदर में? क्या चीज़ क्लियर होता है वो दे देगा। सर जी सिक्योरिटी बॉन्ड लैप्स हो सकता है इन केस अब कोई और गारंटर है, हमार नहीं है, हमारे बहुत क्लोज है, सपोज करिए कोई और है गारंटर। इफ़ द गारंटर बिकम्स इंसॉल्वेंट और एक्सपायर्स, इन डैट केस क्या सिक्योरिटी बॉन्ड अब वैलिड रहेगा? जिसके नाम का था वो चले गए, कल को ये रुपया नहीं दिया तो क्या उसका फ़ोटो से मांगेंगे? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही कुछ ऐसा हैपनिंग होगा कि सामने वाला इंसॉल्वेंट हो जाएगा या फिर एक्सपायर कर जाएगा, डेथ कर जाएगा, तो इसका ये ड्यूटी है कि ये हमको उससे 30 डेज़ के अंदर में इन्फॉर्म करेगा कि सर जी ऐसा हो गया है, 30 डेज़ के अंदर में इन्फॉर्म करेगा। तो सिक्योरिटी बॉन्ड लैप्स कर गया और उससे 60 डेज़ के अंदर में, मतलब टोटल 90 डेज़ हो गया, 60 डेज़ के अंदर में एक नया श्योरिटी बॉन्ड देगा या फिर कैश में दे देगा। डेट इज़ द एंटायर प्रोसेस, एवरीथिंग। चिंगम खा रहे हैं? हाँ या ना? तब ठीक है, मुंह खोल के बोलने का दरकार नहीं है। तुम हाँ या ना बोलेगी तो क्या कृष्ण हो कि हमको अंदर ब्रह्मांड दिखेगा घूमते हुए, और ना तो हम यशोदा मैया हैं। अब सुनो हमारा बात, कहाँ थे हम? हाँ सर जी 90 डेज़ में इन्फॉर्म कर दे करके 90 डेज़ में फर्निश कर देगा नया। ये बेसिस पे सर जी पूरा प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ख़त्म होता है। क्या टफ लगा कि ईजी है? समझ में आ गया ना चीज़? क्लियर है पक्का सर? लास्ट पार्ट, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन वॉलंटरी भी होता है, कंपलसरी भी होता है। वॉलंटरी कब? सर जी आपका बिजनेस ही बंद हो गया, मिस्टेक करते करते मिस्टेक ही हो गया, बिजनेस बंद हो गया, कुछ उखाड़ लोगे का? शांति से सुनो, मस्ती करो, है ना, शांति रहो, गजब आदमी है यार, सबका इज्जत जाता है, तुम्हें को लगता है दिल पे, क्यों लगता है? केजरीवाल हूँ, शांत रहो, सुनो हमारा बात, फिर बोलोगे गलती हो गया सॉरी, तब शांत रहो। सर जी बिजनेस बंद हो गया, अब बिजनेस अगर बंद हो गया तो क्या अब ये CST में रजिस्टर होके फ़ायदा है? सर जी हर साल का एक रिन्यूअल फीस लगता है, पैसा लगता रहेगा घर से, इससे बेटर क्या है? बिजनेस लोकल से ही हो गया, सिर्फ लोकल ही करता और कुछ नहीं करता, इसको लगता है अब दरकार नहीं है। सामने वाला सलट, ये नहीं, सामने वाला जिसके नाम पे बिजनेस था, सोल प्रोपराइटर था, सलट गया, तो अब उसका बच्चा बिजनेस कर रहा है। सोल प्रोपराइटर में क्या बच्चा कर सकता है बिजनेस सेम नाम पे? वो ख़त्म हो जाएगा, बच्चे को अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन लेना होगा। सर जी कंपनी के केस में ये चीज़ नहीं होता है, फर्म के केस में ये चीज़ नहीं होता। कंपनी के में डायरेक्टर मरे, शेयर होल्डर मरे, लेकिन कंपनी जिंदा रहता है कि नहीं? तो कंपनी में दिक्कत नहीं है, लेकिन सोल प्रोपराइटर में जैसे ही ओनर मरता है नया सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है। क्लियर है? तो सामने वाला रजिस्टर सर कंपलसरी का, साला कभी टैक्स टाइमली नहीं देता, मिस्टेक। दूसरा जितना फॉर्म है सब मेट्रो के बाहर खड़ा होकर बांट रहा है, सीले ईले गलत करता है, रिटर्न कभी टाइमली नहीं देता है, टैक्स टाइमली नहीं देता है, सारा इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड करके रखा है। सर जी क्या करना चाहिए? कंपलसरी कैंसिलेशन होगा, लेकिन कंपलसरी कैंसिलेशन करने के पहले भी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी गिवन, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एक बार अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा सर जी कि ठीक है भाई तेरा बात सुन लेते हैं,
तो ये बोलेगा भाई ऐसा ऐसा हो गया, हमसे मिस्टेक हो गया। अगर हमको लगा कि इसका रीजन जेन्युइन है तो हम सर जी छोड़ देंगे, और हमको लगा कि बदमाश है तो उस सेच में हमसे भी मिस्टेक हो जाए और हम इसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर देंगे। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? अब एक मिनट, अब हम बोल रहे हैं ए एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, बी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड, सी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड बाई द सेलर टू द बायर, डी होता नहीं है लाना मत, E1, E2, issued by the buyer or seller? Seller. Issued by the seller. C form issued by the buyer होता है, ये ध्यान रखना। Issued by the seller in case of subsequent sale. सर जी H penultimate sale था, करेक्ट है ना? E के बाद F आता है, stock transferred to another state. चीज को समझो, मेरा बंगाल में manufacturing unit है और हम मुंबई में भी अपना एक शॉप खोल के रखे हैं, बंगाल में भी खोल के रखे हैं, तो यहाँ जो मैन्युफैक्चर होता है उसको मुंबई भेज देते हैं, फिर वहाँ से गुड्स बिकता है, तो यहाँ से जब मुंबई जा रहा है गुड्स, क्या वो इंटर स्टेट सेल हुआ? Yes. नहीं हुआ। कैसे हुआ? हम तो वहीं सामान भेज रहे हैं ना, अपने ही यहाँ पे भेज रहे हैं, वहाँ से बिकेगा ना, फिर मिस्टेक हो गया। वहाँ से कैसे? तुम यहाँ से, तुम कहाँ रहता है तुम? असम, गुवाहाटी, त्रिपुरा। त्रिपुरा से जब यहाँ पे कपड़ा लेके आता है तो का सेल हो जाता है? थोड़ी ना सेल होता है, वो तो तुम अपने यूज के लिए ला रहा है। तो अगर हम अपना माल ट्रांसफर करते हैं अपने गोडाउन में या अपने शॉप में दूसरा स्टेट में, तो वो सेल नहीं है, वो स्टॉक ट्रांसफर टू ब्रांच है। ठीक है ना, ठोस में है ना? स्टॉक ट्रांसफर टू ब्रांच है, उस केस में सर जी CST नहीं लगे, इसके लिए फॉर्म एफ में आपको पर्टिकुलर्स लिखना होगा। कौन सा में? फॉर्म एफ। इसके बाद जी, एच और आई है। ठीक है, एच तो हो गया ना पेनल्टीमेट सेल, फॉर्म जी भी होता है इसके बाद। सर जी क्या होता है? अगर कल को ये सी फॉर्म खो दिया या मेट्रो के बाहर बांट दिया तो डिपार्टमेंट को नुकसान हो सकता है कि नहीं? लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो जैसे ही सी फॉर्म लूज़ होगा, इसको एक इंडेमनिटी बॉन्ड देना होगा कि कल को डिपार्टमेंट को कोई भी नुकसान हुआ तो तुम उसका भरपाई करेगा। और तुम क्या सोचते हो, वो फॉर्म देने के बाद तुम बच जाओगे? कल को अगर कुछ नुकसान हुआ और तुम पैसा नहीं दिए, केस उस छोड़ो, घर बार सब बेच देंगे, बिजनेस भी बेचेंगे, घर बार भी बेचेंगे, ये रूल है। डिपार्टमेंट को अगर टैक्स का पैसा आप नहीं देते तो डिपार्टमेंट के पास पूरा पावर है कि वो आपका पूरा एसेट, आपके पॉकेट में जो है वो भी, आपके बैंक में जो है वो भी, आपके बिजनेस का सारा एसेट और लास्ट में आपका घर बार सब कुछ बेच सकता है। ये पावर है डिपार्टमेंट के पास। नीरव मोदी का केस तुम्हारे सामने है, तो उस सिचुएशन में ये कर सकता है। समझ गए चीज़ को? क्लियर है। नेक्स्ट क्या पढ़ा है? फॉर्म जी, एच पता चल गया, आई होता है सेल टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, सेज बोलते हैं, इनके ऊपर टैक्स अप्लीकेबल नहीं होता है। तो जो लोग सेज में सिचुएटेड हैं, अब तेरा बिजनेस सेज में है, तो तुम जैसे ही इंटर स्टेट परचेज करेगा तो हम तेरे को मुंबई से बेच रहे हैं माल, तो हम तेरे को बोलेंगे कि तुम बोलेगा हम सेज में, हम ले क्या प्रूफ है? तो तुम फॉर्म आई देगा, उसमें लिख के दे देगा कि हम सेज में सिचुएटेड है, ख़त्म हो गया। फिर फॉर्म जे आता है, अगर आप यूनाइटेड नेशंस को बेचते हैं तो उन लोग के ऊपर भी टैक्स नहीं है, वो लोग भी क्या देता है सर? फॉर्म जे देता है। ये सारा फॉर्म्स है, ख़त्म हो गया फॉर्म्स। आपको जितना भी थ्योरी हम इंपॉर्टेंट मार्क कराए थे पूरा कंप्लीट हो चुका है। फॉर्म ए एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, बी सर जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड, सी इशूड बाई द रजिस्टर्ड बायर एज प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, फॉर्म E1, E2 सब्सिक्वेंट सेल, फॉर्म एफ स्टॉक ट्रांसफर टू ब्रांच इन अनदर सिटी, फॉर्म जी इंडेमनिटी बॉन्ड इशूड इन केस सी फॉर्म इज लॉस्ट बाई दी सेलर। सर जी फॉर्म जी के बाद एच पेनल्टीमेट सेल अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 3। सर जी फॉर्म एच के बाद आई। सर जी इशूड बाई दी यूनिट्स लोकेटेड इन द सेज, एंड फॉर्म जे इशूड बाई द यूनिट्स इशूड बाई द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। कोई दिक्कत इसके अंदर में? क्या चीज़ समझ में आ गया? श्योर है? दीज आर ऑल द फॉर्म्स यूज इन CST. Any problem till now? Settled, eh? Thank you.